हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ से फर्स्ट ईयर बीए के टाइम टेबल को कर दिया गया है रिलीज। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और अगर आपने जुलाई 2022-23 के सेशन में एडमिशन लिया था, जिसकी सेमेस्टर पैटर्न की सेमेस्टर वन की एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रही है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो चाहे रिपीटर, या आप जनवरी 2022 के सेशन में भी थे और अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बीए सेमेस्टर वन के एग्जामिनेशन के, चाहे आप जुलाई सेशन की बात करें चाहे आप जनवरी सेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन कंप्लीटली ऑफलाइन तरीके से होगी, पेपर और पेन के माध्यम से होने वाली है, तो उस पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। नाउ माय डियर, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 10 तारीख को आपका जो पेपर होगा वो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होगा। 11 तारीख को आपके पास जो भी आपका लैंग्वेज होगा, दैट इज मराठी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, लेकिन जो यहाँ पर टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा वो 3 बजे से लेकर 6 बजे का होने वाला है। फिर 13 तारीख को आपको फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम होने वाला, 3 से लेके 6 बजे के दरमियान। बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद यहाँ पर 14 तारीख को आपको यहाँ पर देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स है। 14 तारीख को आपको 3 से 6 के दरमियान सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के पेपर आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना आपके टाइम टेबल से। फिर 15 तारीख को आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि 15 तारीख को आपका सोशियोलॉजी पेपर वन, साइकोलॉजी पे, यानी आपको यहाँ पर आपका प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कि आपका प्रेफरेंस कौन सा है। माई डियर, आपने जो सिलेक्ट किया होगा, आपका जो आपको सबको पता है कि आप जब सिलेक्ट करते हो बीए के कोर्सेज सिलेक्ट करते हो तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हो, तो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप पेपर चेक करने की अगर आप बात करते हो माय डियर, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा लास्ट में ये सारी चीज़ें। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद ही आप अपने टाइम टेबल को देखो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है। जैसे यहाँ पर 14 तारीख आपका सोशियोलॉजी है, तो आपका साइकोलॉजी कौन सा होगा, तो कोड के हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर जो टाइम टेबल आएगा, यहाँ पर जो आपकी हॉल टिकट रिलीज की जाएगी मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ से, उस टाइम टेबल में भी, उस हॉल टिकट में जो टाइम टेबल प्रिंट होगा उस हिसाब से ही आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम टेबल के अंदर जो सब्जेक्ट बार बार रिपीटेटिव है वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से होने वाले है, इसकी आपको यहाँ पर खातरी करनी पड़ेगी, इसका आपको ख्याल यहाँ पर रखना पड़ेगा कि सर सोशियोलॉजी दो बार नहीं बेटा, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम पे होगा। बस आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, कि माइनर सब्जेक्ट कौन सा, मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा होने वाला है, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। आपकी जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड टाइम टेबल हॉल टिकट होगी वही एग्जाम के 3 से 4 दिनों पहले रिलीज किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके से आइडल रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।